गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। वीकेंड था हमारा बहुत ही ज़्यादा बिजी और अब हम वापस आ गए अपनी रूटीन लाइफ में। डेली रूटीन की शुरुआत हुई नीर का टिफ़िन बॉक्स रेडी करके और आज नीर के टिफ़िन बॉक्स में गया था गाजर का पराठा। गाजर को ग्रेट करके उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल के उसका मैंने पानी निकाल दिया था और उसके बाद बेसिक मसाले और साथ ही में थोड़ी सी अजवाइन डाल के उसका मिक्सचर प्रिपेयर कर लिया था। गाजर के पानी से ही थोड़ा सा आटा गूंद दिया और नीर के लिए टिफ़िन रेडी हो गया था गाजर का पराठा। क्योंकि वीकेंड पे गुरुजी का सत्संग था तो काफ़ी सारी मिठाइयाँ भी आ गई थी घर पे और आज नीर के लिए मैंने रख दिए थे रसगुल्ले और नीर भी रेडी था और साथ ही में नीर का टिफ़िन बॉक्स भी। हवा चल रही है बाहर बहुत ज़्यादा तो ये अपना उतारना मत टोपी शोपी। ठीक है नींद तो नहीं आ रही? लेट सोए थे ना रात को? रात हो रही है। कोई नहीं बस में सो जाना। ठीक है बस में घर वाला मजा नहीं है। मजा की बात नहीं है, सुबह तो उठना ही है ना 6 बजे। हवा देखो कितनी तेज से ठंडी सी हो गई फिर से अच्छा वाला गर्मी से शुरू हो गई थी। और आज नीर को बस स्टॉप पे ड्रॉप करने की ड्यूटी थी मेरी क्योंकि विनायक को हो रखी थी काफ़ी थकावट तो विनायक का था थोड़ा रेस्ट टाइम। ऑफिस जाने से पहले थोड़ा बहुत घर को सेट करना था तो मॉर्निंग वॉक तो आज की मेरी मिस ही थी तो बस जल्दी से आके फटाफट से मैंने तैयार कर दिया था ब्रेकफास्ट और साथ ही में लंच। ब्रेकफास्ट में मैंने बना दी थी साबूदाना की खिचड़ी और लंच में बनाई थी आज दाल। साबूदाना की खिचड़ी तो वैसे ही बहुत क्विकली बन जाती है तो बस फटाफट से उसको प्रिपेयर करके मैंने स्टार्ट कर दी थी दाल बनाने की प्रिपरेशन। और दाल मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई थी जिसके अंदर प्याज टमाटर अदरक लहसुन और थोड़ी सी हरी मिर्ची को पहले मैंने कर दिया था चॉप। मूंग छिलका और चने की दाल ऑलरेडी भिगो के पहले से ही रखी हुई थी। दाल के अंदर डाल दिया था चॉप मसाला, थोड़ा सा डाला पानी और साथ ही में नमक धनिया पाउडर और हल्दी और इसको मैंने बॉयल कर दिया था 4 से 5 विसल आने तक। फाइनली दाल भी रेडी हो गई थी तो बस इसके अंदर लगा दिया था मैंने जीरे और हींग का तड़का और लास्ट में इसको गार्निश किया था थोड़े से हरे धनिए के साथ। कभी कभी प्याज टमाटर अदरक लहसुन को भून के भी मैं दाल बनाती हूँ लेकिन ज़्यादातर हम लोग ऐसे ही बनाते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से और लाइट और दाल भी बनती है बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल सिंपल। क्या लंच और ब्रेकफास्ट सब कुछ किया पैक और मैं चल पड़ी थी अपने ऑफिस के लिए। और सही में आज सुबह से ही बहुत तेज़ हवा चल रही थी और अभी भी चली रही है और ट्रैफिक जाम मिलना तो बिल्कुल पक्का था रास्ते में तो हमेशा की तरह ट्रैफिक जाम मिला और सीधा हम पहुंचे ऑफिस और शाम को ऑफिस से घर। और आज हमारे डिनर में बनने वाली थी अनहेल्दी डिश। ये आपको लेना है, एक एक करके लेते रहना बेटा। वो है ये पसंद में क्या नहीं पसंद है क्यों? मिल केक तो सबको अच्छा लगता है तो वो कहाँ है रसगुल्ले जो थे? रसगुल्ले 2 बचे हैं। लेमन का जूस। वो क्या होता है? लेमन का जूस खट्टा वाला लेमन का जूस कभी चूसते तो वो क्या होता है साथ में उसको मस्टर्ड कहते हैं। किसने बोल दिया यार? एक बारी मैं आपके कहने पे बना रही हूँ मैगी उसके बाद में से बोलना मत मैगी वैगी के लिए। किसका डर लग रहा है? प्लेट्स लगा दो बेटा। आपका मैगी खाने का कैसे मन कर गया? कभी तो आपने बोला नहीं कि मेरे को मैगी खानी है। पापा ने बोला है। चलो लगाओ प्लेट्स लगाओ। थोड़ी सूपी सी रहने दो, सूपी नूडल्स। ठीक है आटा वाली है ना वैसे भी। मैगी क्यों बनवाई है नहीं आपने? क्योंकि आपने बोली थी। एक दूसरे पे इल्जाम लगाओ बैठ के कि किसने बोला था मैगी बनाने का। अब क्या मैम लैब लेके गई बहुत लेट, 3 मिनट बचे थे पीरियड के। मैम लैब लेके गई, कह रही थी कि प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं। फिर प्रैक्टिस हुई? प्रैक्टिस हुई वो भी 1 सेकंड के लिए, उसके बाद सीधा क्लास आ गए। फिर पेपर कब हुआ? और मैंने बदले के आग में मैम हमेशा कहती है कि ना जो सिस्टम टर्न ऑन करके जाना, मैंने सीपीयू ही बंद करके चला गया मैं। और रात होते होते भी यहाँ पे चल रही थी खूब तेज़ हवा। खैर आज का दिन हुआ क्लोज जो कि था काफ़ी बिजी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।